आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की द्वारा जो एक एलिगेशन लगाया गया कि आप उसके अंदर मेंबर बने हो, हम कहीं भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर मेंबर नहीं बने, और जिसने ये काम किया वो गलत काम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम हमारे बुजुर्गों से लेके अब तक हम गुरु ग्रंथ साहब को पूर्णतः रूप से मानते हैं, वो आगे भी मानते रहेंगे, पर आपस में कोई गलत काम करके यदि किसी समुदाय के साथ ये भाईचारा हमारा बिगाड़ने का काम करे, उसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कैलाश जी, ऐसे कौन वो लोग हैं अब तक अगर आपने जांच करी या पता लगा हो? नहीं, मैंने कोई जांच में मेरे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई, पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात कहूँगा कि इस बारे में पूरी जाँच की जाए और जिस भी किसी ने किया है उसको सख्ती से निपटा जाए। तो क्या कोई शिकार फॉर्म वगैरह अर्थबाजी हो सकती है किसी प्रकार की भी छवि खराब करने के लिए? अभी निश्चित रूप से हमारा इतना एक प्यारा भाईचारा है कि हर समाज के साथ हमारा एक भाईचारा और हर समाज को हम मानते हैं। हम गुरु ग्रंथ साहब को जो मानते हैं वो हमारे बुजुर्गों से माना जाता है, और हमारे कोई भी घर के अंदर प्रोग्राम होते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब की हम पूजा करते हैं और उनकी बाद ही वो फंक्शन हमारा पूरा होता है। वो एक हमारा एक अलग चीज़ है, परंतु जहाँ तक एक मेंबरशिप की बात है वो हमारा सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि ये उनका एक अपना नियम है, अपने नियम के अनुसार वो चीज़ है, पर उस समुदाय के साथ हमारे प्यार को जो खत्म करने वाली बात कोई भी आदमी कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, और उसी लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा कि इसको बारीकी से जांच करके सख्ती से निपटा जाए। जिस आदमी ने भी गलत काम किया उसके साथ सख्ती की जाए। सवाल ये है कि अब आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट थे वो किनके पास गए, किसने फॉर्म फिल किया, बात ये? तो वो तो ये पता लगेगा ना, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन पता करेगी तो अपने आप ही पता आ जाएगा बाहर किसने काम किया। ये अश्विनी शोरेवाला का, खुरानी आज का, पूरे पूरे का परिवार है, 500 वोट अपने कैथल के हैं जो इस लिस्ट में है। पर मैं निश्चित रूप से अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने कभी ऐसी गंदी राजनीति के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो हर समाज का हर इंसान एक परिवार के तौर पे है और हम परिवार के तौर पे ही रहना चाहते हैं। हम उसके अंदर किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहते। यदि कोई लोग ऐसे काम करते हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। कल सिखों का प्रतिनिधि मंडल यहाँ उससे मिला था, नायब तहसीलदार से, गुरुद्वारे में मीटिंग थी, पत्रकारों में कुदरती मैं ही था अकेला, तो वहाँ बहुत सारी चर्चाएं हुई, कुछ लोग उंगल लाने वाले भी जान के, लेकिन कुछ समझदार सरदार थे वो लगे कहने जदों तक असी एडमिनिस्ट्रेशन ना मिल लीए वो सानू की कहता है तो जदों तक तुहाडी गल नहीं असी मनते, क्योंकि मनिंदर भी था उस मीटिंग में, मनिंदर ने पहले भी ज्ञापन दिया था। तो डीसी साहब से मैंने बात की, वो कल नायब सिंह सैनी जी आए हुए थे, कुछ उसमें बिजी थे, उन्होंने नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई। तो जब नायब तहसीलदार उनसे मिला तो जो उसकी वर्डिंग थी, मैंने तो आज चला भी रखी है, उसकी वर्डिंग ये थी कि सरदार जी ये सिर्फ यहाँ यहाँ का मामला नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मामला है, और कंप्यूटर ने ऑनलाइन गलत से विधानसभा वाली सूची उठा ली, कोई पेज उठा लिया, और उसके कारण हुए। तो इसमें ये भी आरोप है कि सरकार द्वारा कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की गई है, उसके तहत जो ये काम किया गया है। देखो, मेरे हिसाब से सरकार कभी भी इन चीजों की छेड़छाड़ नहीं किया करती, क्योंकि कोई भी सरकार हो वो उनके लिए पूरी जो जनता होती है वो एक सार होती है, और कभी भी ऐसा काम कोई भी सरकार नहीं करेगी कि दानिश्ता तौर पे ये चीज़ कोई कहे। अब मेरे ऊपर जो एलिगेशन उन्होंने लगाया तो मेरे से उन्होंने बात भी की, मैंने बात करते ही ये बात आई कि मेरी तो नॉलेज में भी नहीं है, और मैं आपको आज से नहीं, सारी जिंदगी हमारे को इकट्ठे बैठते हो गई, हमने कभी भी ऐसी गंदी राजनीति और ऐसा भेदभाव वाली राजनीति की नहीं, चाहे वो समाज कोई भी हो। हम हर समाज में पूजा करते हैं,
हर समाज में जाते हैं और हर समाज को मानते हैं। तो कैलाश जी, कोई शिकायत आपकी ओर से दी जाएगी इस तरह से, जिस तरह से छवि खराब की गई आपकी, दौरे या शिकायत दी गई है कहीं? नहीं, मैंने शिकायत क्या, आपके सामने सारी चीज रख दी तो ये इससे आगे की शिकायत क्या होती है? आपके सामने सारी प्रेस के अंदर हमने इसको आज बुलाने का हमारे साथियों से मतलब ही ये था कि जो चीज है वो आपके पक्ष रखी जाए और जिससे सारी चीज सामने खुल के आए। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार आपका नाम उजागर कर दिया वोटर लिस्ट में, उनकी वोटर लिस्ट में कमियां हैं और बहुत लोगों के नाम जोड़ रखे हैं, ऐसे जो समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनका नाम उजागर कर रहे हैं, उन्हें जांच करें? इंसान ने यह काम किया, किसी ने भी किया, ये तो आप मान के चलो कि भाईचारे को तोड़ने के लिए किया है। अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है जी, आम आदमी तो कौन? इसमें क्या कहा जा सकता है आपके चेयरमैन, इसके अंदर, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि उसके पीछे क्या है? ये तो थोड़े टाइम बाद जब क्लियर होगा तो सामने आ जाएगी कोई चीज। तो सर, ऐसी हिमाकत कैसे कर देते हैं सरकारी कर्मचारी के चेयरमैन के नाम के साथ, इतना बड़ा खिलवाड़ कर देते हैं जिससे दो समुदायों में टकराव होने का अंदेशा रहता है? नहीं, मैंने बताया तो है कि मेरी अपनी जिंदगी के अंदर आज तक मेरे ख्याल किसी भी समाज के साथ हमारा तो टकराव वाली बात तो बड़ी दूर की बात है। एक पारिवारिक रिश्ते हैं सबके साथ, उनके साथ भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं जहाँ ये बात आई है, और हमने उनको जिस जिसका टेलीफोन मेरे पास आया मैंने भी उनको एक ही बात कही कि आप अपनी अंतरात्मा से ये बात देख लो कि हम ये काम कर सकते हैं। बोले नहीं कर सकते जी। तो मैंने कहा फिर यदि आप ये बात को मानते भी हो कि नहीं कर सकते, जिसने किया है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिसने किया है वो बहुत गलत काम किया है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए।